बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और महाराष्ट्र की शान रितेश देशमुख, इन दोनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है। दोनों जब भी एक साथ पेयर अप होते हैं, मीडिया का अटेंशन कैप्चर कर जाते हैं, फिर चाहे वो आईफा की होस्टिंग हो या फिर धर्मवीर मूवी की कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों जब जब एक साथ नजर आए हैं पब्लिक में छा गए हैं। अब कहा जा रहा है इनकी जो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है उसको ऑन स्क्रीन कैश करने की प्लानिंग चल रही है। मूवी का नाम है वेद। अब इस मूवी को बना कौन रहा है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसकी कास्टिंग क्या है, सलमान के अपोजिट एक्ट्रेस कौन है और ये किस लैंग्वेज में बन रही है, इन सारी बातों की डिटेल आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगी, इसलिए प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास रेगुलर बेसिस पर पहुंचते रहे। तो बात करते हैं वेद की। वेद एक्चुअली एक मराठी लैंग्वेज में बनने वाली रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे रितेश खुद बना रहे हैं। जी हाँ, एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, रितेश मराठी में अपना डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। एक्टर के तौर पर वो मौली लयवारी बनाकर स्टारडम अचीव कर चुके हैं, अब बारी डायरेक्टर की कैप पहनने की है। तो रितेश ने डायरेक्शन कैप में चुना है वेद को और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे बेस्ट बड़ी सलमान खान को रोप इन कर लिया है। कहा जा रहा है सलमान खान इसमें अपना कैमियो देंगे जो कि एक्सटेंडेड होगा, प्लस एक आइटम सॉन्ग करेंगे जो कि मूवी के प्रमोशनल कैंपेन में यूज किया जाएगा। ये तो ही बात डायरेक्टर की और एक्टर की, अब बात करते हैं इसकी हीरोइन कौन है। तो इस मूवी की हीरोइन बहुत सरप्राइजिंग कास्ट है, जिनका नाम है जेनेलिया डिसूजा देशमुख। ये साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जो कि रितेश की वाइफ भी हैं और मराठी सिनेमा में पहली बार डेब्यू करने जा रही हैं और 10 साल बाद एक्टिंग में उनका कमबैक हो रहा है। यानी रितेश का डेब्यू एज ए डायरेक्टर हो रहा है, जेनेलिया का एज एन एक्टर हो रहा है और सलमान रितेश की पेयरिंग पहली बार मराठी में नजर आएगी। तो बहुत सारे न्यू फैक्टर्स मूवी के साथ एसोसिएटेड हैं। अब बात करते हैं इस मूवी को किस तरह बनाया जा रहा है। एक्चुअली दो तरह के कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं। पहले ये कि ये मूवी पूरी तरह से मराठी मूवी का रीमेक है जो कि सलमान खान के लिए बनने वाली थी पर रितेश के हाथ लग गई। कैसे, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली सलमान के सो कॉल्ड फ्रेंड साजिद नाडेरवाला ने एक मूवी की स्क्रिप्ट प्लान की थी जहां पर दो जुड़वा भाइयों की कहानी थी। एक भाई है डरपोक, एक है बहुत ज्यादा ब्रेव जो कि पुलिस वाला बनता है, दूसरा बनता है गुंडा। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को सलमान के साथ बनाने की बारी थी जुड़वा 2 के तौर पे, बट सलमान किसी तरह से राजी हुए नहीं और रितेश को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने साजिद से हाथ जोड़कर इस स्क्रिप्ट को मांग लिया और मराठी भाषा में बनाया मौली के नाम से। मौली उस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई जो कि एक्शन एंटरटेनर थी। साल 2018 में रिलीज हुई ये मूवी मराठी भाषा की बहुत पॉपुलर मूवी बन गई और तब सलमान खान को अफसोस हुआ कि काश मौली को हिंदी में बनाते तो एक पैन इंडिया ऑडियंस मिलती, बिकॉज मूवी बहुत मसाला है और राउडी राठौर टाइप की पूरी तरह से एक्शन वाइब देती है। खैर, रितेश सलमान की बॉन्डिंग उससे एसोसिएटेड और कहा जा रहा है मे बी इसको सलमान के प्रोस्पेक्टिस से बनाया जाएगा, हालांकि इसके चांसेस कम है बिकॉज मौली ऑलरेडी मराठी में बन चुकी है, ऐसे में हिंदी में बनती तो कोई बात थी। दूसरी बात यह कि सलमान खान को लेकर जो कास्ट किया गया है उनकी एक्सटेंडेड कैमियो, इसलिए रितेश चाहते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो मराठी लैंग्वेज को इस्टेब्लिश करे। इसके लिए उन्होंने एक मराठी रियल स्टोरी का बैकड्रॉप उठाया जो कि लेबर कानून पर है और महाराष्ट्र की जैसी फिल्में बनती हैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो यहाँ पर रितेश एक सीरियस फिल्म से अपने डायरेक्शन डेब्यू के स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि सलमान की एंट्री के बाद मामला सीरियस कम कमर्शियल ज्यादा हो जाता है। तो रितेश ने दोनों दांव खेले हैं, सब्जेक्ट सीरियस और स्टार सलमान जैसा, यानी कि मूवी की कमर्शियल और ऑफबीट वायबिलिटी दोनों एस्टेब्लिश होती रहे, प्लस रितेश देशमुख के साथ साथ जेनेलिया की एंट्री भी है। तो मूवी पूरी तरह से स्टार पावर पैक्ड कास्ट के साथ बनी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मॉडरेट है और इसके सक्सेस चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं रितेश सलमान की जोड़ी पर्दे पर क्या कयामत दाती है और मराठी सिनेमा में सलमान खान का डेब्यू क्या रंग लाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए सलमान का मराठी डेब्यू को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।